बात करते हैं सर्जरी की किट के बारे में। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि कहाँ से हम लोग ख़रीदें या कहाँ हम लोगों को अच्छी किट मिलेगी। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें, तो स्पैचुला हम लोगों ने इंडियन पर्ल इंडस्ट्री के हिसाब से, यहाँ के स्पीसीज के हिसाब से ये सेट तैयार करवाया है, जिसमें आप देखेंगे कि हम लोग की, क्योंकि स्पीसीज जो छोटी होती हैं साइज़ में, तो अगर राउंड पर्ल की भी बात करेंगे हम लोग, ये देखें 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, ठीक है। तो जिस तरह का आप न्यूक्लियस हाफ राउंड सॉरी फुल राउंड डालना चाहते हैं वो स्पैचुला। उसके बाद हम लोग बात करें न्यूक्लियस, जो डिज़ाइनर न्यूक्लियस पकड़ने के लिए, या हम लोग मेंटल टिश्यू जब निकालते हैं उसे पकड़ने के लिए पिचर, हम लोग या चिमटी बोल देते हैं, ठीक है। नाइफ जो हम लोग कट करने के लिए रखते हैं, कि भाई सिप के शल को जो हम लोग खोलते हैं कट करते हैं, बाकी हमारा सीज़र है, ठीक है। दूसरा हम लोग अगर बात करें इसके बारे में, हम लोग बलास्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा है न्यूक्लियस, या हम लोग मेंटल टिश्यू जो हम लोग को ग्राफ्ट करने के लिए आता है उसके लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। सीज़र हो गई, कैंची है, ये ब्लेड है आपका, ये देखेंगे। तो ये ब्लेड जनरली हमारा जो यूज़ होता है वो, जब हम लोग राउंड पल के लिए सर्जरी की बात करें, तो हम लोग जब मेंटल टिश्यू कट करते हैं तो इसी से हम लोग इजीली कट कर सकते हैं बिना उसे रगड़े। पहले क्या था कि हम लोग यहाँ का देसी, मतलब इंडियन अगर हम लोग कहें तो ये यूज़ करते थे, ये देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है, जब आप इसे ऐसे रख के दबाते हैं तो वो थोड़ा सा रगड़ जाता है। अब टिश्यू है, क्योंकि हम लोग उसे लाइव टिश्यू की बात करें, जिंदा एक टिश्यू है हमारी कोशिका, तो ये अच्छे से कटिंग करता है और काम अच्छा करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड की हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग इस स्टैंड को बनाने में काफ़ी मतलब ये तो हम लोगों ने रेडीमेड, आप 100, 50, 100, 150 रुपये का आप ख़रीद सकते हैं मार्केट से, जबकि लोहे का स्टैंड बनवाने या स्टील का स्टैंड बनवाने में हम लोगों को अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं हमारी स्पीसीज के हिसाब से। तो उसके बाद बात करते हैं हम लोग ओपनर की। तो कुछ लोग क्या हैं कि अलग अलग तरह के ओपनर अभी भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने ये बनाया है, अभी तक लोग ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो हम लोग शेल खोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर तक खोलते हैं, एक इसका आप देखिए ऊपर से नुकीला है, सेल टिश्यू फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हल्का सा भी दबा देते हैं तो 5 से 6 mm हो जाता है, दिक्कतें होती हैं उसकी वजह से। तो हम लोग इसमें ये जो हमारा ओपनर है ये खुलता ही 5 mm तक है, लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं आप कितना भी दबा लेंगे वो उससे आगे जाएगा ही नहीं, 5 mm तक खुलेगा, लीजिए। तो हमारे सेल भी, हमारा जो काम भी हो जाएगा और हमारा सीप भी जो है सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये देखा, जैसे आपने ये हम लोगों का है स्टैंड हो गया, ठीक है। तो देखिए स्टैंड हम लोगों का जो मोबाइल स्टैंड आपको इजीली मिलेगा, ये हम लोग स्टॉपर बोल देते हैं, ओपनर हम लोगों का जो ब्लेड है कटिंग ब्लेड, सीजर नाइफ है, टिश्यू ग्राफ्ट करने का है। और देखेंगे एक साइड से, देखिए यहाँ से ये क्या होता है कि जब हम लोग एक तरफ से टिश्यू इम्प्लांट कर देते हैं, उसके बाद में जैसे हम लोग न्यूक्लियस डालते हैं तब उसे हल्का सा अंदर दबाने के लिए हम लोगों को होना चाहिए, तो ठीक है। और यहाँ से हम लोग टिश्यू उठाया जाता है। कट करने के लिए हमारे पास ये नाइफ है डिज़ाइनर न्यूक्लियस, या हम लोग मेंटल टिश्यू पकड़ने के लिए हमारे पास एक चिमटी बोलते हैं या पिचर बोल देते हैं। उसके बाद 4 साइज़ के न्यूक्लियस के लिए, जो कि इंडियन के लिए जैसे मैंने कहा स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया गया है, 1.5 से 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो हम लोग 1.5 से 2 mm का इससे न्यूक्लियस उठा सकते हैं। उसके बाद बचता है स्पैचुला। कुछ लोग, उसके बाद हम लोग बात करें तो ये है हेड लैम्प, ठीक है। ये लीजिए, या आप अपने जैसे आपने देखा होगा इंजीनियर्स लोग या जो माइनिंग करते हैं वो अपने हेड पे एक माथे पे लगा देते हैं क्लैंप, उस तरीके का लैम्प है। तो ये भी आपको मार्केट से मिल जाता है बहुत ही जी। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करें, ठीक है। दूसरा अगर आपको चाहिए तो आप ये भी एक हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें ये आप अपने पास में रखिए। तो किट में कंप्लीट अगर हम लोग बात करें तो ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं। बाकी
कुछ किसान क्या हैं कि छोटे स्तर से शुरू कर रहे हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मोबाइल से काम कर लेंगे या लैंप से काम कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब धीरे धीरे यहाँ से सामान उठाते रहते हैं, जो मिनिमल आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप बड़े स्तर से काम कर रहे हैं, दूसरा रिसर्च पर्पज़ से काम कर रहे हैं, तो आपको अलग न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इसे हटा देते हैं, इसकी हम लोगों को फ़िलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्योंकि राउंड की सर्जरी आप अगर नहीं करते हैं तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। इसकी भी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। इसे भी हटा दीजिए, ब्लेड को भी, इसे भी हटा दीजिए। तो मेनली हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास में सामने जो है ये तीन चार इंस्ट्रूमेंट बचते हैं, अगर हम लोग डिज़ाइनर के लिए हम लोग जाते हैं या हाफ राउंड पर्ल के लिए जाते हैं। एक स्पैचुला हम लोगों को चाहिए, एक चिमटी या पिचर चाहिए, ओपनर चाहिए, स्टोपर चाहिए, और एक ये हमारा जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, एक स्टैंड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये चार चीज़ें आपको चाहिए होंगी, बाकी हम लोगों ने जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी सामान जितना भी है ये हम लोगों ने तैयार करवाया है स्पेशली इंडियन मसल्स के लिए, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, स्लाइस ज़रूर करें सर्जरी करने से पहले, ठीक है, और अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें और सही तरीके से सर्जरी करें। तो जैसे कि मैंने इसकी खूबी बताई है, 5 सेंटीमीटर ही खुलेगा, सॉरी 5 mm ही खुलेगा 1 सेंटीमीटर तक, जो जो हमारा मैक्सिमम होता है। स्पैचुला टू साइड है, ठीक है। बाकी ये आपने देखा जो हमारा ये हाफ राउंड या फुल राउंड उठाने के लिए होता है, मेंटल टिश्यू कट नाइफ, तो ये सब चीज़ें आप इजीली खरीद सकते हैं आप, ठीक है। तो ये मार्केट में अवेलेबल होंगी, और किसी तरह किसी किसान भाई का कोई सवाल रहता है, कोई सलाह है, कोई फीडबैक है, ठीक है, तो वो ज़रूर दें। तो सर्जरी से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी लोगों के पास में, जैसे मैंने बताया कि वो जुगाड़बाजी वाले हैं, जुगाड़ किया हुआ है बस, तो पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छे से करें, अपने सीप को ज़्यादा हर्ट ना करें, ठीक है, इंजरी ना पहुँचे उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। बाकी किसी का कोई सवाल सलाह रहती है तो ज़रूर हम लोगों से हम लोगों को कमेंट में दें, पूछें, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग जैसे कि बात करें पर्ल फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट पर है, चलिए धन्यवाद।